नमस्कार, स्वागत है आप सबका जीबीएन 24 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तनिषा भारद्वाज। उड़ीसा की जनता ढाई दशकों तक शासन की निष्क्रियता झेल चुकी है। अब प्रदेश को मोहन मांझी के रूप में एक ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं जो हर संवेदनशील मसलों पर खुद ही सक्रिय हो जाते हैं, जिसकी वजह से पूरी सरकार भी एक्शन मोड में नजर आती है। मुश्किल से 3 महीने में ही उड़ीसा के शासन प्रशासन में आ रहे बदलावों के अनेकों उदाहरण मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद यहां के थानों में सीसीटीवी नहीं लगाए जा सके, लेकिन अब हवा का रुख बदल चुका है। मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने कहा कि आने वाले समय में पुलिस मुख्यालय से ही उड़ीसा के सभी थानों की निगरानी शुरू हो जाएगी। आज वही उड़ीसा है जहां सरकार की कार्रवाई की जनता के साथ साथ विपक्ष भी करने लगा है। जैसे एक मामले में सरकार तुरंत ही सबसे अनुभवी जज की अगुवाई में एक न्यायिक जांच बिठा दी है। मुख्यमंत्री ने सेना बनाम पुलिस विवाद में ना सिर्फ खुद पीड़ितों से मुलाकात की, बल्कि इस घटना की न्यायिक जांच का आदेश देने से पहले उप मुख्यमंत्री केवी सिंह देव और पार्वती परिदा समेत राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी, कानून मंत्री पृथ्वी विराज हरिचंदन और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी की। मुख्यमंत्री को जैसे ही पता चला कि एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को उसकी ड्यूटी में रुकावट डालने की कोशिश की गई, उन्होंने उप मुख्यमंत्री पार्वती पारिदा से पीड़ित से संपर्क करने को कहा। डिप्टी सीएम ने भी सीएम के निर्देश अनुसार ना सिर्फ पीड़िता से फोन पर बात की, बल्कि मुख्य जिला चिकित्सा पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को भी इस मामले में उचित कार्रवाई करने को कहा, जिसके आधार पर 3 आरोपी महिलाएं पकड़ी भी गई। सीएम ने तत्काल ही वरिष्ठ मंत्रियों को काम पर लगा दिया गया। तड़के 2 बजे तक बैठकों को दौर चला। इन सब में सबसे बड़ी बात यह रही कि एक एक घटनाक्रम पर सीएम की खुद की नजर रही और उन्होंने विवाद को सुलझाने में निजी तौर पर जिस तरह की सक्रियता दिखाई, उसी के चलते इतना बड़ा मसला बहुत जल्द ही सुलझ गया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए जीबीएन 24 न्यूज के साथ।